हेडलाइन पर, बंद कमरे में मिला नाबालिग का शव, बांग्लादेश में रासायनिक गोदामों में लगी आग, उन 70 लोगों की मौत। पुलवामा हमले पर माजी का बड़ा बयान, कहा जानबूझकर करवाया गया है हमला। अब खबरें विस्तार से। बंद कमरे में मिला नाबालिग का शव, यह वारदात ऊना जिले के हरोली बीच क्षेत्र गांव की दर्शाई गई है, जहां 10 वर्षीय बच्चे का शव बंद कमरे से बरामद कर लिया गया है। परिजनों द्वारा दरवाजा तोड़ने पर बच्चे के गले में रस्सी लिपटी हुई मिली थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश के रासायनिक गोदामों में लगी आग, उन 70 लोगों की मौत। ढाका बांग्लादेश के एक पुराने इलाके में रासायनिक गोदामों में गोदामों के रूप में इस्तेमाल होने वाले एक अपार्टमेंट में आग लगने से कम उन 70 लोगों की मौत हो चुकी है। आग लगने की शुरुआत में बांग्लादेश के दमकल विभाग के प्रमुख अली अहमद ने बताया कि अब तक 45 शव बरामद किए गए हैं। आग गैस सिलेंडर फटने से हुई है। पुलवामा हमले पर माजी का बड़ा बयान, कहा जानबूझकर करवाया गया है हमला। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पूर्व इस खतरे से आगाह किया था, बावजूद भारत सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के आवाम हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने इस आतंकी हमले के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया है। ये एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने से जीतन राम मांझी ने पूछे गए सवालों में केंद्र सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। बार बार एनडीए के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर नहीं छोड़ेंगे, अगर बहुत बड़ा काम कर देंगे, अभी ऐसा प्रतिकार करेंगे कि समझे पूरी में हो गया, पठानकोट में हो गया, ऐसे जगह दर्जनों जगह या हजारों हमारे सैनिक शहीद हैं। इनका कहना था एक मेरा सैनिक शहीद होगा तो हम 10 मेरी साथ चला रहे हैं, और कितने का लाए हैं उसका हिसाब देंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब हमारा इंटेलिजेंस में और अमेरिकन की इंटेलिजेंस में कह दिया था कि किसी प्रकार की घटना आतंकवादी बता सकते हैं, तब ठीक वो जो कन्वाय चल रहा था 40-80 या 82 गाड़ियों का कन्वाय चलती है तो सब खाली कर दिया जाता है, वहाँ पर किसी की एंट्री नहीं होती है, डिफेंस के साथ कोई नहीं जा सकता। वैसी परिस्थिति में अगर कोई घटना ये घट गई तो ठीक हमारा सिक्योरिटी में बहुत ध्यान दर्ज है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के साथ जानबूझ कर प्रदेश सरकार है या गलत फहमी में सही उनके चुप के चलते आज हमारे 44 जवान। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए।